आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्तों। BSNL के तरफ से काफ़ी समय बाद मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट आया, जिस अपडेट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि BSNL का छोटे से छोटा जो भी अपडेट रहता है या जो भी बड़ा अपडेट रहता है, वो अपडेट आपके साथ साझा करना मेरा जो कि मकसद रहता है। तो यहाँ पर फाइनली जो अपडेट है BSNL की तरफ से और जो कि टाटा कंसल्टेंसी की तरफ से है, तो यहाँ पर क्या अभी इन दोनों में सब समझौता चल रहा है और किस प्रकार का यहाँ पर जो कि डील चल रहा है, एक एक जानकारी देंगे। और BSNL कब तक 4G लॉन्च करेगा पूरे ऑल इंडिया ओवर, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप भी BSNL 4G के इंतजार में हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देरी न करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम बात करें तो 15,000 करोड़ की डील टाटा के छूते ही क्या BSNL की बदल जाएगी सूरत, यह है प्लान जो कि नंबर वन। तो आखिर में 15,000 जो कि करोड़ की जो डील है, आखिर में इसमें क्या क्या जो कि होने वाले हैं और यहाँ पे जो टाटा जो कि BSNL का साथ दे रहा है, तो इससे क्या BSNL में बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक एक जानकारी चलिए हम जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। तो टाटा ग्रुप की दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ 15,000 करोड़ का 4G नेटवर्क सौदा किया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4G से रिलेटेड ये अपडेट है, तो 4G के लिए यहाँ पे जो कि 15,000 करोड़ रुपए का जो कि यहाँ पे सौदा हुआ है BSNL और TCS के साथ। बात करें तो इस सौदे का ऐलान अप्रैल में हुआ था। यह TCS और सरकारी एजेंसी C-DOT के बीच एक पार्टनरशिप का एक उद्देश्य देश भर में BSNL के सेवा जो कि क्षेत्रों में भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित 4G नेटवर्क समाधान स्थापित करना है। तो स्वदेशी कंपनी है BSNL, स्वदेशी यानी कि अपने देश की है, और सारी जो भी कंपनियां हैं वो जो कि विदेश की हम मान सकते हैं, और जो कि वो जो भी कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनियां हैं, और जो अपना BSNL है यह एक स्वदेशी यानी कि अपना जो कि यहाँ पे यह देश की कंपनी है और यहाँ पे एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पे TCS के CEO N गणपति सुब्रमण्यम के अनुसार टाटा समूह की सब कंपनी BSNL के साथ इस सौदे के तहत देश के 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित कर रही है। C-DOT के साथ मिलकर TCS BSNL परिसर में अलग अलग क्षमताओं के 38 जो कि डिप्लॉयमेंट स्थापित करेंगी। BSNL के लिए क्या कर रही है TCS, आखिर में BSNL को तो सौदा यहाँ पे BSNL ने जो कि TCS को सौदा दे दिया है, लेकिन आखिर में यहाँ पे TCS जो है कि BSNL के लिए अभी क्या कर रही है करेंट में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम ने डिप्लॉयमेंट के जटिलता का जिक्र करते हुए बताया कि 4 जोन में 2 बड़े डेटा सेंटर होंगे, एक प्राइमरी सर्वर के लिए और दूसरा डिजास्टर रिकवरी के लिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक टेलीकॉम सर्कल में हम उस सर्कल को लोड आवश्यकताओं के साथ पर जो कि 30 डाटा सेंटर तैनात करेंगे। इस तरह कुल 38 डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे और TCS हार्डवेयर आपूर्ति साझेदारी के साथ मिलकर जून तक कार्यान्वयन पूरा करने के जो कि काम को पूरा करने का उद्देश्य लेकर के चल रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मई 2023 में टाटा समूह की TCS ने स्टॉक एजेंसी ने बताया कि उन्होंने 1,00,000 4G साइटें स्थापित करने के लिए BSNL से 19,000 करोड़ रुपए का अग्रिम खरीद ऑर्डर हासिल किया है। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी बताया था कि BSNL ने जो कि TCS को 19,000 करोड़ रुपए का जो कि ऑर्डर दिया है, 19,000 करोड़ रुपए से जो कि और जो TCS से सामान लेना था BSNL को, तो वो सारी चीज़ें को मैंने पहले ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो हम बात करें तो ITI लिमिटेड के साथ सुरक्षित किए गए इन ऑर्डर्स में लगभग जो कि 20% ITI को पूरा करना है, जबकि TCS बड़ा हिस्सा संभालेगी। अब बात करते हैं 1,00,000 4G साइट की नींव, तो 1,00,000 4G साइट की नींव क्या है इस पर हम बात करें तो TCS सरकारी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास संगठन C-DOT सहित जो कि अपने कंसल्टेंसी भागीदारी के साथ मिलकर BSNL के साथ लगभग 1,00,000 4G साइटें स्थापित करेगी। TCS ने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के नेतृत्व वाले में कंसल्टेंसियम को देश भर में 4G नेटवर्क की तैनाती के लिए BSNL से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अग्रिम खरीद आदेश मिला है। BSNL 100% भारत का सरकार के स्वामित्व वाला
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब यहाँ पे बात करें तो कार्य के विस्तृत दायरे में BSNL नेटवर्क के पश्चिमी क्षेत्र में 23,633 साइट कवर करने वाले 4G मोबाइल नेटवर्क के लिए योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और यहाँ पे स्थापना और कमीशन के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध शामिल हैं। तो ये कुछ जो कि अपडेट निकल के आ रहे थे BSNL की तरफ से, जिसमें मैंने आपको एक एक जानकारी जो कि आपको दिया। तो कैसा लगा अपडेट आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे BSNL का जो BSNL का 4G का अपडेट ऑल इंडिया ओवर लाने की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है अगस्त तक, लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त तक भी यह नहीं हो पाएगा क्योंकि जून का यहाँ पे आज हो गया 17 तारीख हो गया फिर भी, लेकिन अभी जो कि कुछ ही जगहों पे BSNL का 4G देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया ओवर, अगर अगस्त तक माने तो अभी संभावना नहीं है। तो आखिर में देखते हैं आखिर में BSNL 4G ऑल इंडिया ओवर कब तक लेकर आती है। तो दोस्तों अगर आप भी BSNL का सिम यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ BSNL का अभी कैसा नेटवर्क रहता है, 4G रहता है, 2G रहता है, 3G रहता है, या जो कि कुछ भी जो कि किसी प्रकार का नेटवर्क ही नहीं रहता है, यानी कि बहुत ही आपको परेशानी होती है कॉल करने में या जो कि डाटा यूज़ करने में, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।